का हो चुका है, आप ही अभी अभी करके मेरी बहन ने मेहनत, ये मम्मा अभी भी कंगन सुबह सुबह ने हार मुझे डोर से जाना पड़ता नहीं जो है न्यूट्रलाइजर लगाकर स्टिल ऐसे ही बैठी हुई है और ऐसे ही फारिस ने वाले डाल रहा है और ऐसे ही खा रही, क्योंकि मैंने आने को अगर हिल नहीं सुबह सुबह ने हार मुझे डोर से जाना पड़ता आपने मेरे बाल धोते। दिस इज नॉट द वे मम्मा, दिस इज नॉट द वे। ओह माय गॉड, माय आईज इज लुकिंग टू ब्यूटीफुल। किसी ने मुझे लिखा अगर मुझे मुकाम दिया तो मैं चार्जेस लूंगी, तो पहले आप वो मुकाम तो लेके आओ, क्योंकि अल्लाह पाक अपने क्या बोलूं, छोड़ो मुकाम ले लो बगैर पैसे खर्च किए। बगैर पैसे खर्च किए मुकाम लो, वो मुकाम बगैर पैसे खर्च किए वो मुकाम लो, क्योंकि मेहनत उसी सूरत में होती है जब इंसान मेहनत करता है। मेहनत करो, अल्लाह पाक तुम्हें उस मुकाम पे खड़ा। आज मुझे जाना है शो में आज मैं शो में जाऊंगी गाइस आप लोगों को, और जनाब जा रही है अपनी बताओ अम्मी टूर पे जाने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं कि टूर पे जाएं तो अच्छी व्लॉगिंग हो अच्छी। अब मैं जाना है, तैयार होना, तैयार होने के बाद बोल जाना, बोल जाने के बाद गेम शो में जाना, गेम शो में जाने के बाद घर आना है, घर आने के बाद फिर व्लॉग दिखाऊंगी, घर का आकर बना सकती हूँ, क्योंकि गेम शो में जाते हुए तो मसले होते हैं ना। जाना भी जरा हाँ, तो नीचे से मोबाइल रखूंगी तो मोटे ही आएंगे, पर से रखो। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, घर आने के बाद आनी एकदम मेरे साथ खड़ी हुई है। सो एज यू कैन सी कि इनके बाल कैसे हैं, अब इनके बालों में हम करने वाले हैं रिबॉन्डिंग, और अब इनके बालों में हम रिबॉन्डिंग कर देंगे, इनके बच्चों का बिस्तर विस्तर बिछा के इधर ही लिटा दिया कि पूरी रात आज इधर ही है ये। है आनी क्या एक्साइटमेंट है, बालों में आपके सीधे हो जाएंगे अब तो बाल भाई, हैप्पी अब तो बाल। हाँ तो भाई घर आने के बाद अगेन वही मेरी रूटीन स्टार्ट हो गई है, साथ साथ व्लॉगिंग और उसके साथ साथ काम भी, क्योंकि काम भी करने हैं, शो भी था, जाहिर सी बात है सैलून का भी काम, सीज़न है, तो मैंने सोचा कि भाई अब सीज़न के वक्त तो कर लूँ, वरना ज़्यादातर मैं क्लाइंट्स को मना कर देती हूँ, और ये तो वैसे भी खाला है, लेकिन ये है कि जो इम्पॉर्टेंट क्लाइंट्स होते हैं उनका काम मैं कर लेती हूँ, बस मैं फटाफट चेंज करके आती हूँ, आने की करूँगी रिबॉन्डिंग, थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को भी दिखाऊंगी, बताऊंगी भी, ताकि आप लोगों को समझ आए, तो बस जल्दी से चेंज करके आती हूँ। फिलहाल इस वक्त है इबादत का टाइम, इबादत करके हम लोग मिलते हैं आप लोगों को, और फिर आने का काम स्टार्ट करूंगी, लेकिन आज बड़ी रात है और आज इबादत भी करनी है। ये बच्चे देखे जिस तरह पड़े हुए एकदम का कुछ कर लो, आप ही, हम सब ने अभी नमाज पढ़ ली है, आनी का काम शुरू कर दिया है। आनी रोजा नहीं रखेंगी क्या? अरे यार, अरे नहीं रखेंगी या नहीं रखेंगी नीचे तो टांगे चलेंगी, अभी अभी हिल नहीं सकती, मार भी नहीं सकती। आयत पार्किंग निकल चुकी है, इस तरह होता है काम गाइस। क्या हो चुका है, आप ही अभी अभी करके मेरी बहन ने मेहनत, ये मम्मा अभी भी कंगन माय सिस्टर एंड शी में नाम लिखो यार, कंगन आप ही बाल ना कंगन में आ जाए। आने की क्रीम डन हो चुकी है, क्रीम लगाने के बाद उसको 45 मिनट छोड़ना था, लेकिन 45 मिनट्स का मतलब ये होता है कि जब तक बॉन्ड नहीं टूटता, अगर बॉन्ड 10 मिनट 20 मिनट, कुछ लोगों का बॉन्ड होता है 10 मिनट में टूट जाता है, 15 मिनट में टूट जाता है, 15 मिनट में 20 मिनट में आधे घंटे में नहीं टूटता, तो 45 मिनट के लिए जैसे न्यूट्रलाइजर लगाया जाता है वैसे ही क्रीम भी अप्लाई की जाती है, बट ये है कि बॉन्ड सिखाया था वही तरीके से, सब मुझे मम्मा ने सिखाया, डिपेंड करती है बॉन्ड पे,
टाइमिंग पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती क्रीम, तो बस अभी क्रीम मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह इतना टैलेंट है मेरी बेटी के अंदर, इतना टैलेंट तो भाई क्यों नहीं लोग पसंद करेंगे, इतना टैलेंट है मुंह से नाक साफ निकाल सकती है। अभी क्रीम के वॉश के बाद दिखाऊंगी आप लोगों को, फिर वॉश के बाद आयरन, फिर सैनिटाइजर, सैनिटाइजर के बाद वॉश होगा, फिर वो असल रिजल्ट होगा। नीचे से टांगे मार रही इनके औलाद ने, थोड़ी बताइए ये लवार जी को तरह पड़े सही बता रही है वो जो मैंने इसको बताया जी। हाँ मुझे सब मेरी माँ ने सिखाया है ये बोलना, जिसको सीखना है वो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर, उसके बाद इनका मोबाइल बंद होगा। क्या हुआ क्या हो गया आप काम से मुतमईन रही आप परेशान भी हो, अगर काम से मुतमईन ना भी हो तब भी होंगे मुझे अपनी बहन पूरी पेमेंट हो जाती बहन इनको पेमेंट दे देना पूरी आप परेशान नहीं लगा के तो और चंचला गई हूँ। स्मेल कैसी है बहुत बच्चे बैठे हैं भाई पहली बार काम करने गया नहीं लड्डू, मेरा लड्डू काम वाला बच्चा है यार, आप भी भूल गई मेरी बहन बहुत मतलब जब रिबॉन्डिंग की याद मेरी आती तब से कर रही है। अबे तो करते थे हम लोग सीधा लेटते थे इस्त्री करते थे बबली आजी करती अब पता है वो जब वो चाहिए होता था ना कर्ल्स कर्ल्स कहते हैं ना उसको वेव्स हाँ वेव्स वाले बाल तो हम मेंडिया बांध लेते थे। हाँ वो चुटिया बनती थी चुटियां बन जाती और फिर ऐसे मेहनत एक एक चोटी को और रूलर बांधने के लिए वो रात को रूलर डालते थे सोएंगे कैसे हम लोग ये बता दो पूरी सोते ही नहीं होंगे नहीं सोते थे ना पूरी रात। अभी तो मैं जब दादी बन गई अभी माशाल्लाह से दादी बन गई है माशाल्लाह। मिया जी खुश हैं आप करवाना ओए होए ये क्या हो रहा है इधर ये आने के बालों के साथ मसला है कश्मीर चल रहा है मसला है कश्मीर चल रहा है इतनी देर से न्यूट्रलाइजर लगा और न्यूट्रलाइजर लगाते वे बालों को बिल्कुल सीधा रखना होता है और साथ साथ कॉम भी करना होता है और उधर सैरी चल रही है। फाम भाई तुम शर्टी पहन लेते यार आनी आप तो वो लग रही है वो एक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आती है बड़ी अच्छी कोई हॉरर होगी है कि नहीं नहीं वो पिंक बाल होते हैं उसके भैया आप ही ये आने कितनी देर तक लगेगा कितनी देर में हो जाएगा ये बस 15 मिनट 10 से 15 मिनट लगता है नहीं इसमें लगाने में कितना टाइम लगेगा ये तो टोटल लगेगा 15 मिनट लग जाएंगे इसमें जो है न्यूट्रलाइजर लगाकर स्टिल ऐसे ही बैठी हुई है और ऐसे ही फारिस नवाले डाल रहा है और ऐसे ही खा रही क्योंकि मैंने आने को अगर हिल नहीं तो जो वेव आएगा वो आप खुद जिम्मेदार होंगे। आने ने बोला ना ना मेरी बच्ची ना सारे इल्जाम तेरे ऊपर ही रखूंगी मैं हिलूंगी नहीं बिल्कुल तो क्या मतलब है आप भाई आनी जल्दी जल्दी आनी ने बोला रोजा रखना सैरी कर लूं अब बस फाइनली सारा हो गया है आनी के बस डायर हो रहा है बस डायर कैसे सो रहा है कैसे सो रहा है उल्टा होके सोता है ये रात में भाई कैसे सो रहा है हाथ क्यों रख के नमाज पढ़ रहा है भाई टोपी अल्लाह के करम से भाई नमाज पढ़ता है बेचारा पाबंदी से। हाँ तो भाई आनी की हो गई है रिबॉन्डिंग डन अब्बा के बाल और आनी के बाल आप लोग फारिस रिंग लाइट चलाओ ताकि मैं रिजल्ट प्रॉपर दिखाऊं और ये आनी की रिबॉन्डिंग हो गई है डन ये बिना आए अम्मा अम्मा मेरा पा बिफोर आफ्टर फारिस रिंग लाइट लगाओ वाओ बिफोर वाओ सही बात है भाई और ये आने का रिजल्ट है फारिस रिंग लाइट लगाएगा तो मैं दिखाती हूँ और ये आने का रिबॉन्डिंग का रिजल्ट सुबह ही सुबह इन कामों में हम लोग लगे हुए हैं
कमरे में ना पर्दे हैं ना चादर, एक कमरा सेट हो रहा है मेरा। सो गाइस एज यू कैन सी कि मेरा फाइनल रिजल्ट रिबॉन्ड का आ चुका है, और ये जस्ट जस्ट ड्रायर का रिजल्ट है, और मतलब इसमें कोई आयरन नहीं है, और आप लोग ये देख सकते हैं इसकी शाइनिंग और इसका स्मूथ के कितने स्मूथ ही बाल हो रहे हैं। खैर इसमें बिल्कुल भी आयरन नहीं हुआ। मानी को फ्रंट से दिखा, नहीं फ्रंट दिखाए, देखें आगे करें दोनों तरफ से। आनी के बाल कट भी करे हैं मैंने, क्योंकि अब आनी लग रही है बिल्कुल जवान, लग ही नहीं रहा मेरी आनी है। ओ माय गॉड, कैसे आप खुश हैं? हैप्पी? बहुत हैप्पी, टू मच हैप्पी। इन बालों में शॉर्ट करने का मजा है पता है, क्योंकि अब आप वॉश करेंगी, डायरेक्ट शैम्पू करेंगी, खोलेंगी तो अच्छे लगेंगे। हाँ तो भाई अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब मैं सो रही हूँ, क्योंकि मैं शो में से आने के बाद काम में लग गई थी, और अब ऐसी कमर हो रही है कि कमर मेरी ऐसा लग रहा है अकड़ गई है और ख़त्म होने वाली है। तो बस मुझे लगता है, आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी कुछ टेक्निक अच्छी लगी होंगी। कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगी। लाइक कमेंट शेयर और ज़रूर करना है इस व्लॉग को। लाइक तो आप लोग हंसते हंसते कर सकते हैं, तो आई होप कि बहुत मज़ा आएगा। बाय बाय, लव यू गाइस। कोशिश करती हूँ कि घर में व्लॉग बनाए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों को पता है शोज़ भी करने होते हैं, फिर ये सैलून का काम भी है, तो मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी, बट कोशिश पूरी करती हूँ कि व्लॉग्स भी बनाऊँ, क्योंकि आप लोग इन्जॉय करते हो। बाय।